अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है चार्ज एट रेस्ट। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका पहला टॉपिक हमारे पास है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इसको इसलिए कहते हैं कि ये एक साइंटिस्ट कूलम ने इसको ड्राइव किया था। और we know that there are two kind of the charge, namely positive and negative. The charge on electron is negative and charge on proton is positive. Moreover, we also know that like charges repel each other. Like or unlike charges का मतलब है कि अगर हमारे पास दोनों positive charges हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो ये कौन से चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस। एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब अनलाइक चार्ज का मतलब है कि एक हमारे पास पॉजिटिव होगा, दूसरा हमारे पास कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। नो वी इन्वेस्टिगेट द क्वांटिटी नेचर ऑफ द फोर्सेस, द मेजरमेंट ऑफ द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस मेड इन 1784 AD by Charles Coulomb, a French military engineer. On the basis of these measurements, he decided this law is known as a Coulomb's law. It states that, ये इसकी definition है कि हमारे पास जो charges होंगे इनके दरमियान जो forces होगी, force of attraction भी हो सकती है, force of repulsion भी हो सकती है, वो कैसे होगी। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और मैथमेटिकली हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। और हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करने के लिए क्या लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन ओवर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। फिर एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द म्यूचुअल फोर्स, जो इनके दरमियान फोर्स होगी, बेशक वो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो दोनों चार्जेस के दरमियान, और आर उनके दरमियान क्या है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन ड्यू पॉइंट। जो फोर्स एक्ट करेगी वो एक लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट चार्जेस, जो लाइन होगी ज्वाइन करेगी वो उस पर एक्ट करेगी। अब हमारे पास दो तरह की फोर्सेस होंगी, हमारे पास जैसे कि डायग्राम में देखें कि हमारे पास क्या हैं, दो चार्जेस हैं क्यू वन और दूसरा भी हमारे पास क्यू टू, दोनों चार्जेस क्या हैं, हमारे पास पॉजिटिव हैं। इनको इनके दरमियान कौन सी फोर्स होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब हम इन फोर्सेस को हम क्या नाम देंगे, एक हमारे पास फोर्स क्या होगी F12, Q1 पर जो होगी वो कौन सी होगी F12, दूसरी हमारे पास क्या होगी Q2 पे जो होगी वो हमारे पास क्या होगी F21। इसी तरह हमारे पास दूसरे चार्जेस हैं Q1 और Q2, अब इनके दरमियान क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक हमारे पास चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा हमारे पास क्या है, चार्ज नेगेटिव है, इस वजह से इनके दरमियान क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और डिफरेंस उनके दरमियान क्या होगा, आर होगा। द फोर्स एक्ट एज ए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिटवीन द टू चार्जेस। अब जो हमारे पास फोर्स है वो किस पर डिपेंड करेगी, जो इनके दरमियान मीडियम होगा उस पर डिपेंड करेगी। और सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच आर एफ और आर, अब हम इसको कहाँ क्या मेजर करेंगे, एफ और आर को। इफ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस इज ए फ्री स्पेस, अब इन दो चार्जेस के दरमियान, ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान अगर फ्री स्पेस होगी, एयर होगी, तो हमारे पास हम इसको किस तरह लिखेंगे, के इज इक्वल टू 1/4πε0। अब हमारे पास जो ε0 क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट है, और इसको हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इन SI यूनिट द वैल्यू इज, हमारे पास वैल्यू क्या है, 8.85 × 10⁻¹² न्यूटन पर मीटर पर कूलम
8.85 × 10^-12 कूलम न्यूटन पर मीटर। और अगर हम इसको के की वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, के इज इक्वल टू 1/4 π ε₀। और अब ε₀ की वैल्यू पुट करके पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 3.14, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 9 × 10^9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। द कूलम फोर्स इन फ्री स्पेस हमारे पास क्या होगी, एफ इज इक्वल टू 1/4 π ε₀ Q1 Q2/r². अच्छा जी, अब हमारे पास दो ये जो हमारे पास फोर्सेस हैं म्यूचुअल फोर्सेस हैं, अब जो हमारे पास चार्ज Q1 जो है वो किस पे फोर्स एग्जर्ट करता है, Q2 पे। और इसी तरह हमारे पास जो Q2 है वो क्या करेगा, उस पर फोर्स एग्जर्ट करेगा, वो हमारे पास क्या होगी, Q2 पे फोर्स वो Q1 पे एग्जर्ट करेगा। ई वी डिनोट द फोर्स एग्जर्टेड ऑन Q2 बाई Q1 ऑन F21 होगी, और दैट ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 to Q2 इज इक्वल टू 1:2। दोनों एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करेंगे, एक हमारे पास क्या होगी F12, दूसरी हमारे पास क्या होगी F21। दोनों की मैग्नीट्यूड जो होगी वो सेम होगी, लेकिन हमारे पास क्या होगी, इनकी जो डायरेक्शन होगी दोनों की अपोजिट होगी। और डायरेक्शन डी फोर्स वी इंट्रोड्यूस द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपको पता है मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट, यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, डायरेक्शन। अब हम F21 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 1/4 π ε₀ Q1 Q2 r² और r हमारे पास क्या होगी, 2:1 होगी। दूसरी हमारे पास फोर्स कौन सी है, F12, वो किसके इक्वल होगी, 1/4 π ε₀ Q1 Q2/r² यूनिट वेक्टर R12। अब हम ये देख लें कि ये दोनों फोर्सेस कैसे एक दूसरे पे एक्ट करती हैं, कि ये हमारे पास क्या है, चार्ज Q1 है, ये हमारे पास चार्ज कौन सा है, Q2 है। ये इस पर फोर्स एग्जर्ट होगी Q1 से Q2 पर होगी, इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, F21 होगी। ये इस पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, इसको हम कहेंगे F12। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन हमारे पास उसकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। और ये फाइन ऑफ द चार्ज इन इक्वेशन 12.5 A and B डिटरमाइन द फोर्स आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये फाइन हमें शो कराएगा कि ये जो चार्ज ये फोर्स थी कौन सी थी, अट्रैक्टिव थी या रिपल्सिव थी। तो ये तो हमने जितना पढ़ा वो हमारे पास क्या था, फ्री स्पेस में। अब हम कहते हैं कि हमारे पास कोई चार्ज है और उसमें हम इन चार्जेस के दरम्यान हमारे पास कोई मीडियम है, और मीडियम बिटवीन टू चार्जेस अपॉन ऑन द कूलम फोर्सेस में, इफ द मीडियम इफ इफ एन इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर जिसमें से कोई चार्ज पास थ्रू नहीं करता, और इट इज यूजली रेफर्ड एज ए डायलैक्ट्रिक। अब जब हम दो चार्जेस के दरम्यान एक इंसुलेटर रख देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, डायलैक्ट्रिक। इट हैज बीन फाउंड दैट द प्रेजेंस ऑफ डायलैक्ट्रिक ऑलवेज रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज कंपेयर टू विद दैट इन फ्री स्पेस बाय द फैक्टर विच इज कॉन्स्टेंट इज नोन एज ए डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, डायलैक्ट्रिक की वजह से वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी एज कंपेयर टू द फ्री स्पेस। और दिस कॉन्स्टेंट, अब जो हमारे पास डायलैक्ट्रिक रखा है उसका कॉन्स्टेंट क्या है, फ्री स्पेस में हमारे पास कॉन्स्टेंट का था फिलो नॉट, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट कौन सा है, रिलेटिव परमिटिविटी, और इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलन आर। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एप्सिलन आर के साथ। द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डिफरेंट डायलैक्ट्रिक इज शोन इन टेबल 12.1। ये देखें इसमें हमारे पास वैक्यूम की वैल्यू है और हमारे पास अमोनिया की वैल्यू है, ये डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं जो कि हर जो डायलैक्ट्रिक होगा उसकी डिफरेंट वैल्यूज होंगी। द
कूलम फोर्स इन मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इव, हम अब इसको कैसे लिखेंगे, हमारे पास जो फोर्स होगी इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ इव इक्वल टू वन ओवर फोर पाए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। अब इसमें क्या फर्क आ गया, जो हमारे पास फ्री स्पेस था वो था हमारे पास वन ओवर फोर पाए एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वेयर। अब जो हमारे पास है क्या वैल्यू है, जब यहाँ पर एक डायलैक्ट्रिक है और डायलैक्ट्रिक रखने से इसकी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, जो कि एफ इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वेयर है। इट इज सीन इन द टेबल दैट एप्सिलॉन आर फॉर एयर इव, हमारे पास जो एयर है उसका एप्सिलॉन आर क्या है, 1.0006। दिस वैल्यू इज क्लोज टू द वन, ये जो वैल्यू है किसके इक्वल है, वन के इक्वल है। ये क्वेश्चन हमें देती है इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर क्या है, हमारे पास एफ इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वेयर, ये डायलैक्ट्रिक की वैल्यू है। और ये दूसरी जो हमारे पास वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, एफ इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाए एप्सिलॉन नॉट क्यू वन ओवर क्यू टू। यहाँ पर हमारे क्या फ़र्क आ गया, हमारे पास एप्सिलॉन आर का फ़र्क आ गया दोनों के दरम्यान।